आवाजें भी आएंगी बाहर निकलने के लिए। प्राइवेट पार्ट्स के लिए या इसका ढक्कन है बहुत ही क्यूट और प्यारा सा। आप लोग मेरी अकल चेक करो कि मैंने उल्टे वैक्स हीटर में वैक्स डाली है, मेरे लिए हमारी वैक्स जो है वो मेल्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। तो मैंने ये दराज से एक वैक्स हीटर मंगवाया था जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है, और ये आया है कुछ 900 समथिंग का, सस्ता बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पास ये वाला वैक्स हीटर है जो मैं यूज करती हूँ। अब इसका ये है कि वैसे तो मैंने तो इंसानों की तरह यूज किया हुआ है, बट काफी लोगों का काफी मेस बन जाता है। इसका ढक्कन है ये, तो इसमें काफी मेस बन जाता है, साइडों पे वैक्स चिपक जाती है। तो ये वाला जो वैक्स हीटर है ना, ये वाला जो वैक्स हीटर ये सिलिकॉन में बना हुआ है, ये देखें, और इसको बोलते हैं पोर्टेबल वैक्स वार्मर। ये इसके साथ इसकी केबल भी है जिससे आप इसको लगा के इसको ऑन करोगे। केबल दिखा देती हूँ आपको, ये है इसकी, और ये चार्जिंग वाला नहीं है। इसकी पावर है 100 वॉट, ठीक है, और ये इससे किसे कनेक्ट होगी, छोटी सी वायर है इसकी। बट ये है कि इसके ऊपर आप रख के इसको ऑन करके आप इसको वार्म कर सकते हो वैक्स को, ठीक है। अब इसको मैं ऑन कर देती हूँ, पास स्विच मैंने रखा है इसलिए मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ वीडियो यूट्यूब की। ये है जी हमारा वैक्स हीटर, ऑन हो गया, लाइट जल गई है इसकी। ये थोड़ी सी वैक्स डालते हैं इसके अंदर, ज़्यादा डल गई है, चलो कोई बात नहीं है। और मैं अभी ना कैमरा और नीचे करती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। दूसरा वाला वैक्स हीटर साइड पर करते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ है कैमरा, उसके लिए माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। ये देखें, ये ऑन हो गया हमारा, लाइट जल गई है इसकी। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ इसको, और मोबाइल उठाती हूँ मैं हाथ में। देख लें जी, ये वाली वैक्स हीटर को मैंने फेंका है साइड पे, ये मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, इस स्ट्रेटनर को भी साइड पे फेंकते हैं। ये स्विच मैंने लगाया तो ये इस तरीके से जो है ना, ये लीजिए लाल लाल इसकी लाइट जल गई है। वैक्स मैंने डाली है इसके अंदर, ये जो बीन्स वैक्स होती है ये देख लो, मैंने इसको इस स्टैंड पर रख के दिखाती हूँ ये, और ये देख लें, और अब वैक्स भी फटाफट से मेल्ट हो रही है। अब जैसे इसको स्विच से लगाओगे इस तरह से गर्म हो जाता है, और जो इसकी ये प्लेट है ना, जो हमारे पास टिन वाली वैक्सीज होती है ना, ये उसमें भी यूज़ हो जाएगी हमारी, जैसे हमारे पास टिन आते हैं तो गर्म करनी हो वो ऐसे जैसे उठाकर टिन रख सकते हो। अभी देख लो, ये फ़ौरन से मैंने ऑन किया, साथ ही मेल्ट होना शुरू हो गई है, और इस तरीके से डीप सा ये बना हुआ है सिलिकॉन में, बहुत ही प्यारा सा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैस नहीं बनता, मैंने जो पूरा कमरा मैंने समेट लिया अपना, और ये वैक्स अभी थोड़ी सी मेल्ट हुई है, पर यह कि हो रही है मेल्ट। ये देखें, शायद मैंने ज़्यादा हार्ड वैक्स डाल दी है, ये हर डर मुझे लग रहा था कि सिलिकॉन जलेगा तो नहीं जल रहा, नीचे से गर्म काफ़ी हुआ हुआ है, जल नहीं रहा। एंड सच में मैं आपको दिखाऊं, मैंने पूरा कमरा समेट दिया अपना, ये देखें, जितने पार्सल पुर्सल पड़े थे सब उठा दिए मैंने यहाँ से, पर्दा भी गिर गया मेरा दोबारा से। ओके जी, तो फाइनली हमारी वैक्स जो है वो मेल्ट हो गई है, ये देखें आपको नज़र भी आ रही होगी। दूसरी चीज़ है, मैंने ना ये जो साइड्स पे चिपकी हुई थी ना, जब ये ड्राई हुई है तो मैंने हटा के देखा, ये देखें, जिस पर्पज़ के लिए मैं कह रही थी कि ये काम आएगा, कि मेस नहीं बचाएगा ये, तो ये उस पर्पज़ के हिसाब से ठीक है। मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे, यूज़ फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं। ओके जी, ये मेरी नज़र की चश्मा है ये वाला, बट आई डोंट नो ये ऐसे यूवी लाइट क्यों दिखा रहा है। ये वकास से बहुत ही लाइट वेट बनवाया है, इसको हम रख लेते हैं अपने सर पे। देखिए लेंस के साथ नज़र का तस्मा, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। ओके, तो ये मैं उठाने लगी हूँ वैक्स ऐसे हाथों के ऊपर। ये इसका ढक्कन है बहुत ही क्यूट और प्यारा सा शीशे का, जिसको आप ढक भी सकते हो, और गुड चीज़ ये है कि मेस नहीं बना रही है वैक्स। टाइम लगा के इसने गर्म किया बट कर दिया है गर्म, ये देखें। और जो ये हीटर इसके साथ आया है ना, इसके ऊपर जो हमारी टिन वाली वैक्सीज होती है ना, वो टिन भी एज इट इज रख के इसके ऊपर ये देखें गर्म कर सकते हैं वो। ये हमें इसके साथ अच्छा ऑप्शन मिल गया। मैं इसका स्विच बंद कर दूं ऐसे, चलो अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ कि ये कैसे रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। ये यूं करा इसको मैंने, और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये, बट लेकिन देखा कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है सारी, ये देखें। और मैं चारों तरफ चिपका रही हूँ इसके वैक्स की, मैंने ये चेक करना है कि जो सिलिकॉन में जो वैक्स वाला सिस्टम होता है ना, कि सिलिकॉन से वैक्स चिपकती नहीं है, तो वो वाला सिस्टम क्या हो रहा है। सो ये स्पेचुला का भी लिंक लगा दूंगी मैं दराज से, आप लोगों ने लेनी है आप लोग ले सकते हो, मज़े की लग रही है ना, सस्ती बहुत ज़्यादा है। अभी तो खैर दराज की एनिवर्सरी सेल लगी हुई है तो इतनी सस्ती हो गई है, मैंने तो 1000 रुपये में मेरी आई थी, 9900 कुछ में, और अभी तो ये और ज़्यादा सस्ती हो गई है। ओके वाओ, कितनी अच्छी गर्म हुई है सीरियसली, ये देखें। ओह, एप्लीकेशन तो नज़र ही नहीं आई, अच्छा मैं ये उतार लूँ फिर दूसरी दिखाती हूँ, कितनी अच्छी गर्म हुई है यहाँ। आ वाओ, कितनी अच्छी एप्लीकेशन हो रही है यार, दोबारा दिखाती हूँ आपको अप्लाई करके, क्योंकि वो तो मेरा हाथ ही नीचे था। ये देखें, ये ऐसा लगाया और कितने अच्छी दिख ले, मेल्ट होगी नज़र आया,
ये मैंने अच्छे से अप्लाई किया, नीचे से इसको इसे किया, ये देख नजर आया। थंबनेल की पिक्चर ही नहीं लेती मैं तो, थंबनेल की पिक्चर ले लो जरा। सो ये देख लो ये अप्लाई हो गई है। अच्छा जब बीन्स वैक्स होती है ना ये फौरन से ड्राई हो जाती है, इसकी अच्छी चीज ये है। अब इसको उतारती हूँ आपके सामने, आवाजें भी आएंगी बाहर निकलने के लिए। वाओ चुन्ने चुन्ने से बाल देख लिए, निकाल लिए इसमें नजर आ रहा है आपको। बट खैर मेन चीज ये है कि जो हम चाह रहे थे कि वैक्स हमारा मेस ना बनाए, तो ये उस लिहाज से कितनी अच्छी है। अब लाइक जैसे अगर आपने ब्राजीलियन वैक्स करनी है तो थोड़ा सा इसमें अच्छा, ये देखिए दिखाऊं आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ चीजें देखने नजर आया। मैंने इसलिए चारों तरफ फैला दी थी कि फिर मैं दिखाऊं कि ये उतर रही है कि नहीं उतर रही है। मैं नेल पॉलिश भी उतर गई है सारा, पील ऑफ लगा, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये सिलिकॉन के मजे देखो, साइड पे चिपक गई थोड़ी सी, एज इट इज उतर रही है। तो जो वैक्स वाला मसला होता है ना सब लोगों का कि मेस बन जाता है, अब आप लोगों का वो वाला मसला इस वैक्स हीटर से हल हो जाएगा। ये देखें ये वैक्स हीटर स्लो गर्म करता है बट फुल गर्म कर देता है वैक्स को अच्छे से एक दफा, और फिर काफी देर तक आपकी वैक्स जो है वो इसमें गर्म रहती है, मेस नहीं बनेगा। साइडों पर टपकेगी भी तो आराम से उठा लेना आप इसको, जब आपने यूज कर लिया उसके बाद ढक्कन लगा के इसको वापस रख दो। अब ये वाला सीन है। सो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है आप लोगों के सामने इसको यूज भी। क्या करती होंगी, छोटा सा है बट काफी यूजफुल है। अंडर आर्म, अंडर लेग्स, फेस की वैक्स थोड़ी सी यूज करनी होती है, इसमें डालो आराम से ये आपकी गर्म हो जाएगी, और इसको यूज करो इसके ऊपर रख के, और काफी एक दफा गर्म हो जाए तो आपकी कलाई का अपने ना वॉशरूम वगैरह जाना ना, इसको रख के चले जाओ, जब तक वापस आओगे तब तक ये अच्छी खासी हीटअप हुई होगी, मेस नहीं बनेगा। जो अच्छी चीज है जो साइड पर चिपक रही है वैक्स, वो आराम से इस तरीके से देख लो उतर रही है। ये नजर आया कैसे उतर रही है, जो मुझे इसकी अच्छी चीज लगी थी, जिसको जिस रीजन से मैंने इसको ऑर्डर किया था कि मुझे इतनी लड़कियां कंप्लेन करती है अभी वैक्स हीटर को क्लीन करने का मेथड बता दें, तो ये वाला वैक्स हीटर ले लो, क्लीन करने वाला झंझट ही खत्म। ये देखने नजर आ रहा है किस तरीके से साइडों से देख ले, मैंने सारा साफ कर लिया। तो मैं इधर से रिकमेंडेड आप लोगों ने लेनी है तो मैं लिंक लगा दूंगा आप लोगों के लिए। और अभी जो है वो दराज की एनिवर्सरी सेल लगी हुई जिसमें ये बहुत सस्ती हुई है बहुत ज्यादा, तो आप लोग अभी ऑर्डर कर लो, 870 या 60 रुपए कुछ हुई हुई है। और इसके अंदर ना ये वाला जो बोतल है ना ये हाफ आया है इसके अंदर, और अभी भी काफी ज्यादा जगह है इसके अंदर, मैंने थोड़ी सी डाली थी कि इतनी सी यूज होनी होती है, क्योंकि ये वाली वैक्स तो आप बार बार अपने ऊपर तो बार बार यूज कर सकते हो ना, किसी और को थोड़ी ना यूज करना होता आप लोगों ने। सो यार बहुत अच्छा है यार, मैं नहीं बन रहा, और इसको पूरे को भी आप देखो आराम से निकाल सकते हो इसके अंदर से, जो इसकी मजे की बात है सिलिकॉन की कि मैं नहीं बन रहा। अक्ल चेक करो कि मैंने उल्टे वैक्स हीटर में वैक्स डाली है, मतलब ये ऐसे खुलना था, ये मैं कहती थी इतना छोटा सा वैक्स हीटर, इतना छोटा सा वैक्स हीटर, बट मैंने इसको खोला उल्टा, फिर मैंने इसको बड़ा खोलने की कोशिश की, ये खुल क्यों नहीं रहा। और अब जब मैं इसको एडिट करने लगी, मैंने इसकी वीडियो देखी अगेन, तो ये इस तरीके से खुलेगा। अब मैं इसके वैक्स के ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, और थैंकफुली ये सिलिकॉन वाला है जिससे मेस नहीं बनता, और मैं एज इट इज उठा के सारी वैक्स इसके अंदर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से पूरा बाउल सा बन गया। मैंने पता कैसे वैक्स डाली है, मैंने इसको ये यूं आया था ना मेरे पास ऐसे ही, अब मैं इसको ना अंदर की तरफ खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा, और ये मेरे से खुला ही नहीं, और मैंने इसमें से यहीं पे वैक्स डाल दिया। अब वो मैंने बाद में जब मैंने अभी दोबारा वीडियो देखी तो मैंने कहा इसमें तो ये खुल रहा है तो मेरा क्यों नहीं खुल रहा, तो ये ऐसे खुलना था और वैक्स यहाँ जानी थी इस जगह पे, ऐसे डीप सी नजर आ रहा है ये मरता शवा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के टाइटल को नीचे वीडियो में क्लिक करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।